प्रतियोगिता के इस दौर में कैसे अपनी दुकान को सबसे प्रिय बनाया जाए जिससे ग्राहक हर दुकान को छोड़कर आपकी दुकान से राशन खरीदे। अगर आपकी दुकान पर भी कम ग्राहक आते हैं और आपको इसी बात की चिंता है कि दुकान की बिक्री कैसे बढ़ाई जाए, तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको दुकान में ज्यादा ग्राहक लाने के उपाय बताने वाले हैं, जिससे आपकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहेगी और ग्राहक एक सामान खरीदने आएगा और 3-4 सामान ले जाएगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक ही जगह पर कुछ दुकानों में ग्राहक भरे रहते हैं और कुछ दुकान में ग्राहक नहीं आते हैं और बिना कुछ सामान खरीदे मोल भाव करके चले जाते हैं। अगर आप भी दुकान में कम ग्राहक और कम बिक्री की समस्या से परेशान हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए अब जान लेते हैं कि अपनी किराना दुकान को लोकप्रिय कैसा बनाया जाए। दुकान को बाहर से आकर्षक बनाएं। जब कोई ग्राहक एक ही जगह पर काफी सारी दुकानें देखता है, तो वो उसी दुकान में जाने की सोचता है जो बाहर से दिखने में अन्य दुकानों की बजाय आकर्षक हो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुकान में ज्यादा ग्राहक आए, तो अपनी दुकान को बाहर से आकर्षक लुक दें। इसके लिए आप चाहें तो किसी शॉप डिजाइनर की सहायता ले सकते हैं। दुकान को सामान से भरा हुआ रखें। अगर आपको दुकान में कम सामान दिखाई देता है, तो ग्राहक के मन में कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे मेरी पसंद का सामान इस दुकान से मिलेगा या नहीं, इस दुकान में कितना सामान है, यहाँ से कोई खरीदता भी है या नहीं, और फिर वो शायद अगली दुकान में चला जाता है जो सामान से भरी हुई दिखाई देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकान से ग्राहक आकर्षित हों और दुकान में ज्यादा ग्राहक आए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि दुकान को सामान से भरा हुआ रखें। इससे एक तो आपकी दुकान में ग्राहक के आने की संभावना बढ़ जाती है, साथ ही जब ग्राहक को ज्यादा और कई प्रकार के सामान दिखाई देते हैं, तो ग्राहक और भी कई चीजें खरीद लेता है, जिससे आपकी कमाई और दुकान की बिक्री बढ़ जाती है। ग्राहक को जल्दी अटेंड करें। आज के समय में हर व्यक्ति जल्दी में होता है, ऐसे में आप ग्राहक का ज्यादा समय ना लेते हुए उन्हें जल्दी से जल्दी सामान देने की कोशिश करें। जब कोई ग्राहक आपकी दुकान पर आता है और आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो उसे बुरा लग सकता है और वो दूसरी दुकान पर भी जा सकता है। इसलिए दुकान में ग्राहक कैसे बढ़ाएं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जैसे ही ग्राहक आपकी दुकान पर आए, उसे जल्दी अटेंड करें और उससे ये जरूर पूछ लें कि उसे क्या सामान चाहिए। ग्राहक की पसंद का ध्यान रखें। जब कोई ग्राहक दुकान पर आता है, तो उस पर अपनी पसंद ना थोपें। पहले उसे वही चीज दिखाएं जो वो लेने आया है। अगर आपके पास वो सामान है जो ग्राहक लेने आया है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो फिर आपसे उससे मिलता जुलता कोई दूसरा आइटम लेने की सलाह दें। ऑनलाइन भुगतान के लिए दुकान पर स्कैन बारकोड लगाएं। कई बार ग्राहक के पास कैश रुपए नहीं होते हैं या फिर वो पर्स लाना भूल जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए ओके क्रेडिट ऐप या अन्य UPI ऐप्स के बारकोड में अपनी दुकान पर जरूर लगाएं, और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने के लिए स्वाइप मशीन भी रखें, जिससे ग्राहक पैसे का भुगतान ना कर पाने के कारण दूसरी दुकान पर ना जाए। सामान देते समय लिस्ट की जांच जरूर करें। ग्राहक को पूरा सामान देते समय भुगतान के बाद एक बार सामान की लिस्ट जरूर चेक करें, क्योंकि अगर ग्राहक सामान लेकर घर चला जाता है और उसे 1 रुपए की मासिक भी कम मिलती है, तो उसे लगता है कि उसके साथ बेईमानी हुई है, तो वो दोबारा आपकी दुकान पर नहीं आएगा। ग्राहक को सामान सही रेट पर बेचें। अगर आप चाहते हैं कि ग्राहक बार बार आपकी दुकान पर आए और उसे आपकी दुकान से लगाव हो जाए, तो भले ही थोड़ा मुनाफा कम कमाएं, लेकिन मुनाफे के लालच में ना आकर ग्राहक को सही कीमत पर अच्छा सामान बेचें। फुटकर पैसे का भुगतान करने के लिए पर्याप्त छुट्टे रुपए रखें। ग्राहक के सामान लेने के बाद कई बार उसे कुछ पैसे वापस करने होते हैं, क्योंकि उसके पास भुगतान के लिए बड़े नोट होते हैं। ऐसे में बेहतर होगा यदि आपके पास उन्हें बचे हुए पैसे वापस देने के लिए पर्याप्त मात्रा में छुट्टे हों, जिससे ग्राहक कंफर्टेबल महसूस करते हैं। एक ग्राहक से ज्यादा मुनाफा कमाने के बजाय बहुत सारे ग्राहकों से थोड़ा थोड़ा पैसा कमाएं। आप अपनी दुकान को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, जिससे दूसरे दुकानों के ग्राहक भी आपकी दुकान पर आएं। इसके लिए जब कोई ग्राहक आपकी दुकान पर आता है, तो ये ना सोचें कि ये दुकान पर आए ना आए, इससे एक बार में ही ऊंचे दाम पर सामान बेचकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाना है। क्योंकि हो सकता है ऐसा करके एक बार तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि जो सामान आपने उसे बेचा है वो दूसरी दुकान पर बहुत सस्ता मिल रहा है, तो वो आपकी दुकान पर दोबारा नहीं आएगा और वो इसके बारे में दूसरे लोगों को भी बताएगा। एक ग्राहक से ज्यादा मुनाफा कमाने की बजाय बहुत सारे ग्राहकों से थोड़ा थोड़ा मुनाफा कमाएं, और इससे आपकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ती है, साथ ही आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो लाइक कीजिए, शेयर करें। ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।